हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है गोवर्धन, तो आप सभी लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम मनाएंगे गोवर्धन, तो आपको दिखाएंगे हम कैसे गोवर्धन बनाते हैं। और मैं जा रही हूँ गोवर्धन बनाने, गिरिराज महाराज बनाने जा रही हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं कैसे गोवर्धन बनाती हूँ। साक्षात कृष्ण जी का रूप बनाएंगे हम आज, जिन्होंने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर उठा के रखा था, सभी बाल वालों की रक्षा की थी। दोस्तों देखिए, सृष्टि आइए मुझे बुलाने। सृष्टि, इसलिए बुला रहे हो आप मुझे? अच्छा, गोवर्धन बन रहा है। हाँ। कौन कौन आया है गोवर्धन बनवाने? चलिए चलते हैं गोवर्धन बनाने के लिए, दिखाते हैं मैं आपको मैं कैसे गोवर्धन बनाऊंगी। जा रही हूँ मैं बनाने गोवर्धन, चलो आप सभी को दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ गोवर्धन बनाने। मैंने कर दिया है गोवर्धन बनाना स्टार्ट। तो मैंने सबसे पहले उनका फेस बनाया गिरिराज महाराज का, उसके बाद हाथ बनाए, उसके बाद उनका धड़ बनाया। अब मैं बना रही हूँ कमर, कमर के नीचे पैर बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं पैर बना रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैं बना रही हूँ गिरिराज महाराज के पैर। तो जैसे कि कृष्ण जी खड़े होते हैं टेढ़े पैर करके, इसी प्रकार से हम कृष्ण जी का ही स्वरूप बनाएंगे गोवर्धन महाराज, जो कि इनको गोवर्धन महाराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो स्वरूप बनाया जाता है वो गाय के गोबर से बनाया जाता है, इसीलिए इनको गोवर्धन बोला जाता है। गोधन मतलब गोवर्धन। और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने बना लिए गिरिराज महाराज के दोनों पैर। अभी तो मैं रफली रफली सा बना रही हूँ, इसके बाद अच्छे से डेकोरेशन करेंगे, डेकोरेट करेंगे गिरिराज महाराज को। अभी तो इनका घर बनेगा, पूरा मंदिर बनाएंगे। अभी रफली रफली सा ऐसे ही बना रहे हैं। मेरे साथ में मेरी जेठानी लगी हुई हैं और मेरी सासू जी हैं, और उधर ननद हैं, छोटी वाली सबसे छोटी हैं जो, और सभी लोग मेरी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे। सब सारी जेठानी, सासू माँ और सभी लोग थे घर पर, परिवार की जितनी भी लेडीज हैं सारे थे। हम एक जगह पर बना तो मैं ही रही थी, ये लोग मेरी हेल्प कर रहे थे सभी लोग। अब मैं इनको बता रही थी यहाँ से ऐसे करना है, यहाँ से ऐसे करना है, और इनमें ये करना है वो करना है, ये सब बता रही थी मैं इनको। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ गिरिराज महाराज की पगड़ी, मुकुट बना रही हूँ। देखिए मैंने मुकुट बनाया है, नोज बना दी, आई बनाई है, मुंह बनाया है, और मैं अब इनकी कमर बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी तरह से बना रही हूँ मैं। और ये जो इन्होंने एक दुपट्टा डाल के रखा है जो कृष्ण जी डालते हैं, वो अच्छे से बनाऊंगी, सब चीज़ देखना आप। देखिए अब मैं बना रही हूँ गिरिराज महाराज के कपड़े, ये इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, इनकी डेकोरेशन कर रही हूँ मैं, डेकोरेट कर रही हूँ। कैसे कपड़े हैं जो धोती और लुंगी वगैरह पहनते हैं वो बना रही हूँ मैं, और एक दुपट्टा ओढ़ के रखते हैं वो भी बनाऊंगी अभी फ़िलहाल। अभी देखिए इसको कैसे तैयार किया जाता है, सजा रही हूँ मैं अच्छे से। अभी इसके ऊपर से वो बना रहे हैं जो कपड़े बनते हैं, जो कृष्ण जी कपड़े पहन के रखते हैं इसी तरह से कपड़े बना रही हूँ मैं इनके। देखिए आप, सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बना तो गिरिराज ही रही हूँ पर बार बार जिक्र कृष्ण जी का क्यों कर रही हूँ। तो आप, मैं आपको बता देती हूँ, जो कृष्ण जी हैं वही गिरिराज महाराज हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कौन है गिरिराज महाराज, क्यों की जाती है इनकी पूजा। तो मैं आपको सारा कुछ बताने वाली हूँ, आप मेरी वीडियो को पूरा देखना एंड तक, बहुत अच्छी वीडियो है ये, आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है इस वीडियो से। तो एक दिन की बात है, जब कृष्ण जी गऊ चराने के लिए निकल गए थे, तो जब शाम को आए
तो देखा कि माँ यशोदा बहुत सुंदर सुंदर पकवान बना रही है। पूरे घर में खुशबू खुशबू हो रही थी। और अंदर आके कृष्ण जी ने देखा रसोई घर में माँ ने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के रखे थे, जैसे कि पुआ पूड़ी पकौड़ी और अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, अच्छी अच्छी मिठाई बनाई थी। तो कृष्ण जी माँ से पूछते, माँ आज क्या है, आज कौन सा त्योहार है, आपने इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। तो जब कृष्ण जी बोलते हैं कि आप तो इतने अच्छे पकवान बना रही हो, आज जरूर कोई त्योहार है। तो माँ कहती हैं, बेटा आज ना इंद्र भगवान की पूजा की जाएगी। वो पूछते हैं, माँ क्यों की जाएगी इंद्र भगवान की पूजा? कि इसलिए कि बहुत दिन से इंद्र भगवान ने पानी नहीं बरसाया है, तो इस वजह से हमारी पृथ्वी बिल्कुल सूख गई है, पानी नहीं है, तो इस वजह से हमारे यहाँ फसल नहीं हो पा रही, सारे ब्रजवासी परेशान हैं। तो इसलिए इंद्र भगवान को खुश करने के लिए इंद्र भगवान की पूजा की जाएगी। तो सभी ब्रजवासी अच्छे अच्छे पकवान बना रहे हैं, तो हम जाएंगे इंद्र भगवान की पूजा करने, आप भी तैयार हो जाओ, आप भी चल रहे हैं। कृष्ण जी बोले, इंद्र भगवान की पूजा क्यों की जाएगी, कोई नहीं करेगा इंद्र भगवान की पूजा। तो माँ कहती है, बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान कान पका देंगे आपके। तो वो हट करने लगते हैं, जिद करने लगते हैं, नहीं इंद्र भगवान की पूजा कोई नहीं करेगा। तो माँ कहती है, नहीं ऐसा नहीं बोलते बेटा, इंद्र भगवान नाराज हो गए तो बिल्कुल पानी नहीं बरसेगा और हमारी धरती बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। तो नहीं मानते भगवान जी, तो कृष्ण जी तो बहुत जिद्दी थे, इसलिए उन्होंने माँ की बात नहीं मानी। इंद्र देवता नाराज हो गए तो उन्होंने बारिश करना स्टार्ट कर दिया। बारिश बारिश इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि पूरा ब्रज पानी में डूब गया। वहाँ पे जो गाय गाय थी, ब्रजवासी थे, सब जितने भी ब्रजवासी थे सबके घर में पानी भर गया। और कई दिन हो गए, 3 दिन हो गए लगातार बारिश होते होते, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो कृष्ण जी ने अपनी शक्ति दिखाई और जो गिरिराज पर्वत था वो अपनी उंगली पे उठा लिया। तो वहाँ के जो ब्रजवासी थे, बड़े बूढ़े जो भी थे, वो मने कर रहे थे कि बेटा हम सब दब जाएंगे और आपकी उंगली में इतनी ताकत नहीं है जो कि इस पर्वत को उठा लें। तो गिरिराज कृष्ण जी ने अपने दोनों पैर टेढ़े करके और अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को उठा लिया था। उसी दिन से गिरिराज महाराज की पूजा की जाती है पूरे ब्रज में, पूरे भारत में, हर घर में गिरिराज महाराज की पूजा की जाती है, बहुत शुभ माना जाता है। हमारे मथुरा में तो बहुत ही धूमधाम से गिरिराज महाराज की पूजा की जाती है गोवर्धन वाले दिन। तो हर घर में पूजा होनी चाहिए, करनी चाहिए सभी को। और इस प्रकार से बनाते हैं गोवर्धन महाराज। देखिए मैंने ये गिरिराज पर्वत बनाया है, इस पे सारी जड़ी बूटी पेड़ पौधे फूल पत्ती सारा कुछ लगाया है। आप भी अपने घर में ऐसे गोवर्धन बना सकते हैं। देखिए मैंने कपड़े भी बनाए हैं गो ठाकुर जी के, सब कुछ बनाया है। और देखिए अब सबको लगा दिया है मैंने काम पे, सबने सजाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए घर के जितनी भी लेडीज हैं सभी लग गई हैं, मैं बना रही हूँ, और सबको डेकोरेशन करने के लिए लगा दिया है। तो देखिए ये दीदी हैं, इधर दीदी हैं, वो लगा रही हैं, इधर भी सारे सब लग गए हैं लगाने में। अभी तो इनको अच्छे से डेकोरेट किया जाएगा। ये मुकुट बनाया, मुंह बनाया है मैंने, देखी कितने अच्छे तरह से इनको छिकनाई दे रहे हैं बिल्कुल अपने हाथों से, उंगली की हेल्प से कितने अच्छे तरह से बनाए जा रहे हैं ये। तो ये लगा रहे हैं सभी लोग खील, और मैं इनको अच्छे से सजा रही हूँ, जहाँ पे भी मुझे कुछ दिख रहा है गलत उसको ठीक कर रही हूँ। देखिए तो हवा हम पगड़ी बना रहे हैं ठाकुर जी की, मुकुट देखना आप कितना अच्छा बनेगा मुकुट। अब मैं खड़े होके देख रही हूँ कैसे लग रहे हैं हमारे गिरिराज महाराज।
देखिए सभी मैंने काम में लगा दिए हैं, कोई कुछ लगा रहा है कोई कुछ लगा रहा है। अब हम इनको गुलाल से सजाएंगे। पहले मैं बना रही हूँ मैं माला, फूलों से बहुत प्यारी सी माला बना रही हूँ। अब गुलाल से इनको सजाएंगे, ये राम महाराज को। इनके जो कपड़े हैं येलो कलर में बनाएंगे, देखना आप। मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। तो हमारे गोपाल जी कोवर्ट से बनके तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनकी डेकोरेशन कर रहे हैं, देखना आप कितनी सुंदर लगने वाली। हमारे गिरिराजी बहुत सुंदर बनने वाले हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। और सभी हम देवरानी जेठानी सभी लोग मिलके गिरिराजी को डेकोरेट कर रहे हैं। देखिए मैं लगा रही हूँ पिंक कलर का गुलाल, उधर ब्लू कलर का लगा रही हैं दीदी, और इधर खील लगा रहे हैं सभी, मतलब कि जितने भी लेडीज हैं सारी लगी हुई हैं गिरिराजी को सजाने में। और जहाँ पे भी मुझे कुछ गलती दिख रही है मैं उसको सही कर रही हूँ। देखिए आप, हाँ मोहिनी भाभी क्या अरे हाँ मत देखो मैं वीडियो बना रही हूँ अरे आप भी आओ, कैसे वंचित रह रहे हो, आओ आओ सबरी आ गई तुम मम्मी बंदू तू हमारे भी लिया फोन जा देखिए मैं मुकुट सजा रही हूँ, कितना प्यारा मुकुट सजा रही हूँ कलरों से गुलाल से, कितना सुंदर लग रहा है। गुलाब का फूल लगाया है मुकुट में और प्यारे प्यारे कलर भरे हैं। और आप देख के बताना कमेंट में हमारे गिरिराज जी महाराज कैसे लग रहे हैं, और किस किस ने बनाए ऐसे गिरिराज महाराज, कमेंट में जरूर लिखना। गोवर्धन महाराज जी बनके तैयार हो चुके हैं पूरे कंप्लीट पूरी तरह से। अब हमने सब कुछ रेडी कर दिए बिल्कुल, कलर वलर से फूल माला से तिल विल लगा के अच्छी तरह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो आप बताना कमेंट में हमारे गिरिराज महाराज कैसे लग रहे हैं। और हम अब करेंगे फोटो क्लिक, अच्छे अच्छे फोटो खींचेंगे। तो देख दिखाती हूँ मैं आपको कैसे फोटो हम करवा रहे हैं। चलिए मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। Thank you.
देखिए हम सब ने रात को बहुत अच्छे से पूजा की थी सबरे पूरे परिवार ने मिलके। उसके बाद हमने जलाए थे पटाखे, बम चलाए थे और सभी ने पूजा कर ली है। तो आप सब मुझे कमेंट में बताना आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।